इंटरमीडिएट इंग्लिश चैनल पर खुश आमदेद। ये एक एजुकेशनल चैनल है। इस चैनल पर इंटरमीडिएट के इंग्लिश पेपर की मुकम्मल रहनुमाई और हेल्प वीडियोस की शक्ल में दस्तियाब हैं। हलशुदा 5 साल मारूजी पेपर्स की वीडियोस भी मौजूद हैं। इन वीडियोस को देखकर 90+ मार्क्स ले सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रैकलेस विद माइजरी आई मेड अ प्लंज। रैकलेस का मतलब है सोचों में खोया हुआ, थॉट लेस बेखबर। तो तीसरी ऑप्शन दुरुस्त है। आई यूज टू लाई वेटिंग दैट ओनिमस ट्रेड का मतलब है कदम, पेस का मतलब भी कदम है। इन द इमेंस स्ट्रेचेज ऑफ स्पेस इट इज़ कोल्डर स्टिल। इमेंस का मतलब है बड़ा, कुशादा, वसी और इज वास्ट। पहली ऑप्शन दुरुस्त है। इन्फ्लेमेशन ऑफ वाउंड कॉज्ड एम्पुटेशन नेसेसरी। एम्पुटेशन का मतलब है आज़ा का काट देना, कटिंग लिम्स। आखिरी ऑप्शन दुरुस्त है। मुस्तफ़ा कमाल वाज सेवियर ऑफ टर्की। सेवियर का मतलब निजात दहिंदा, रेस्क्यूअर। दूसरी ऑप्शन दुरुस्त है। नेक्स्ट सेंटेंस है, दी ड्राइवर एंड ग्रीसर वर रिलक्टेंट टू टेक हिम। रिलक्टेंट का मतलब है हिचकचाना, हेजिटेंट, हिचकचा रहे थे साथ ले जाने से, हेजिटेंट। चिप्स बिगेन अ पालपिटेटिंग चुक्कल। पालपिटेटिंग का मतलब है थरथराती हुई, वाइब्रेटिंग। आखिरी ऑप्शन दुरुस्त है। ही रिमेंबर्ड दैट फ्रेंजीड डिकेड। फ्रेंजीड का मतलब है कन्फ्यूज्ड, परेशान। हेक्टिक इसकी ऑप्शन है। हेक्टिक का मतलब भी कन्फ्यूज है और फ्रेंजीड का मतलब भी कन्फ्यूज्ड है, लिहाजा ये तीसरी ऑप्शन दुरुस्त है। स्कूल बॉयज लाइक निमोनिक्स एंड पंज। निमोनिक्स का मतलब है याददाश्त को बढ़ाने वाली बातें, याददाश्त को बढ़ाने वाली चीज़ें, रिमेंबरिंग डिवाइस। दूसरी ऑप्शन दुरुस्त है। बर्नार्ड शॉ हैड मोस्ट रिप्रीहेंसिबल ओपिनियन। रिप्रीहेंसिबल का मतलब है काबिल मजम्मत, कंडेमएबल। पहली ऑप्शन दुरुस्त है। प्रपोजिशन की तरफ आते हैं। ही कैन नाट पार्ट फ्राम हिज रिलेटिव्स। पार्ट विद आएगा जी, पार्ट विद, ऑप्शन गलत हो गई है यहाँ, तो ये आखिरी ऑप्शन दुरुस्त है, पार्ट विद। आई एम नाट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट्स। अनमाइंडफुल के साथ ऑफ आएगा। उसके बाद है असलम इज इंडेटेड यू फॉर योर फॉर दिस काइंडनेस। इंडेटेड टू आएगा, आपका मशकूर है, आपके कर्ज के नीचे है, मशकूर है आपका। सलमा टेक्स आफ्टर हुआ करता है मुशाबियत देना। सलमा टेक्स आफ्टर हर मदर। पहली ऑप्शन शी इज़ फॉन्ड ऑफ रीडिंग। फॉन्ड के साथ ऑफ आया करता है। करेक्शन की तरफ आते हैं। द ज्यूरी वर अनएनिमस इन इट्स वर्डिक्ट। तो ज्यूरी यहाँ वाहिद के तौर पर इस्तेमाल हुआ है लफ्ज, इसलिए इसके साथ वाज इस्तेमाल होगा। तो पहली ऑप्शन इसकी दुरुस्त है। नेक्स्ट टाइम माई ब्रदर गेव मी मैनी एडवाइसेज। एडवाइस की जमा नहीं होती, मैनी पीसेज ऑफ एडवाइस आता है, लिहाजा माई ब्रदर गेव मी मैनी पीसेज ऑफ एडवाइस। तीसरी ऑप्शन दुरुस्त है। नेक्स्ट है शी इज़ मोर इंटेलिजेंट दैन मी। कंपेरेटिव डिग्री है, मोर इंटेलिजेंट दैन के बाद फाइली हालत आया करती है प्रोनाउन की, तो ये फिक्रा दुरुस्त है। आखिरी ऑप्शन शी इज़ मोर इंटेलिजेंट दैन आई। आखिरी ऑप्शन दुरुस्त है। हु डू यू लाइक द मोस्ट। तुम किसको ज़्यादा पसंद करते हो। हु का मतलब होता है जो या कौन,
लेकिन होम का मतलब होता है किसको, तो ये हु की बजाय होम आएगा। होम डू यू लाइक द मोस्ट, तुम ज़्यादा किसको पसंद करते हो। नेक्स्ट सेंटेंस है गिव मी एनी वाटर टू ड्रिंक। एनी जो है ये मनफी या इंटरोगेटिव फिक्रों में इस्तेमाल होता है, सवालिया फिक्रों में या मनफी फिक्रों में, और सादा फिक्रे में सम इस्तेमाल होता है, गिव मी सम वाटर टू ड्रिंक। तो तीसरी ऑप्शन इसकी दुरुस्त है।